नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, DC की फिल्म एक्वामैन रिलीज हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 21 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म को इंडिया में हिंदी, तमिल और तेलुगु में एक हफ्ते पहले ही रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी DC की मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर इंडिया में अगर फिल्में पसंद की जाती है हॉलीवुड की, तो वो होती है मार्वल की, जिसमें थोर हो गई, स्पाइडरमैन हो गई, आयरन मैन हो गई, एवेंजर्स हो गई, मतलब टोटल ज़्यादातर फिल्में पसंद की जाती है मार्वल की। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी DC की फिल्म्स को इंडिया में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जो लोग ये फिल्म देख के आए, सभी लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये DC के अब तक के सबसे बेस्ट फिल्म है और इस फिल्म में जो VFX और जो कहानी है वो काफ़ी शानदार है। इसी की वजह से दोस्तों, इस फिल्म को जो अच्छे रिव्यू मिले, उसी के कारण इस फिल्म ने जो अपने पहले दिन इंडिया में कलेक्शन किया वो कहीं ना कहीं पिछले DC फिल्मों से कहीं ज्यादा था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में लगभग 7 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया। वही इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन लगभग 8 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। वही दोस्तों, बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन भी इस फिल्म को काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। एक तरीके से कहा जाए तो इस फिल्म के जो राइट्स बिके थे इंडिया के, वो पूरे रिकवर हो चुके हैं 3 दिनों में ही। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का जो तीसरे दिन का रिस्पॉन्स है, वो सुबह से लगा के दोपहर वाले शो या फिर नाइट वाले शो या फिर इवनिंग वाले शो, सभी दूर इस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खास करके जो नाइट वाले शो है, उसमें एडवांस बुकिंग में ये फिल्म 80% तक एडवांस बुक हो चुकी है। तो दोस्तों, इस हिसाब से कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म का जो तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास रहने वाला है। तो दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन कमाए थे जहां 7 करोड़, दूसरे दिन 8 करोड़ और तीसरे दिन का कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ दोस्तों, जो एक्वामैन का 3 दिन का इंडिया में टोटल ग्रॉस कलेक्शन होता है, वो हो चुका है लगभग 25 करोड़ रुपए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक्वामैन इंडिया में 50 करोड़ तक का कारोबार करने में सफल हो पाएगी या नहीं? और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि अगर आप यह फिल्म देख के आए तो यह फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद।